भारतीय इतिहास में एक ऐसा युद्ध जो सबसे चर्चित युद्धों में से एक है, एक ऐसा युद्ध जिसमें इतना भयंकर रक्तपात हुआ कि लगभग 2.5 लाख सैनिकों की मृत्यु की वजह से एक नदी पूरा लाशों की ढेर बन गया और दोस्तों इस नदी का पानी पूरा लाल हो गया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ कलिंगा युद्ध के बारे में। कलिंगा युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों आज के सफर में हम ले चल रहे हैं आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर दूर धौलगिरी शांति स्तूप। दोस्तों यह धौलगिरी शांति स्तूप भगवान बुद्ध को समर्पित है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, मैं हूं आपका अपना ट्रेवल साथी इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह, स्वागत करता हूं रेड गो ट्रिप चैनल में। दोस्तों अगर आप पुरी या भुवनेश्वर घूमने आ रहे हैं तो आप धौलगिरी शांति स्तूप को अपने टूर प्लान में जरूर शामिल करें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में धौलगिरी घूमने की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि धौलगिरी का कलिंगा युद्ध से क्या संबंध रहा है और दोस्तों कलिंगा युद्ध में वह कौन सी नदी थी जो लाशों की ढेर बन गई थी, और साथ ही दोस्तों मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आना है, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, और धौलगिरी शांति स्तूप का लाइट साउंड शो कितने बजे होता है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो इस रेड गो ट्रिप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल वाला घंटा जरूर दबा दें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भुवनेश्वर और पुरी से कैसे जाना है धौलगिरी शांति स्तूप। ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से पुरी ठीक लगभग 50 किलोमीटर आगे है और धौलगिरी दोस्तों यहाँ से 3 किलोमीटर ठीक यहाँ से अंदर पड़ता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है हमको धौलगिरी शांति स्तूप जाने के लिए। ये जो हमारा हाईवे है, ये भुवनेश्वर पुरी हाईवे है और इसी हाईवे से ये जो जगह है इसी जगह से हमको धौलगिरी के लिए जाना पड़ता है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप बुकिंग में आ रहे हैं तो आपको जो कैब ड्राइवर है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको उस जगह पर लेकर जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप खुद से आ रहे हैं तो दोस्तों आपको थोड़ी सी इस जगह को ध्यान रखना है और आपको हर जगह यहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं। यहाँ पर इधर से देखिए, इधर से दोस्तों पूरी से गाड़ियाँ आ रही हैं जो भुवनेश्वर साइड जा रही हैं और ये सारी गाड़ियाँ भुवनेश्वर जा रही हैं दोस्तों। तो अब हम चलते हैं दोस्तों पुरी हाईवे से अंदर 3 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और इस सफर का आनंद लेते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए धौलगिरी शांति स्तूप। ये धौलगिरी का दोस्तों पार्किंग का एरिया है जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ जो भी कार हैं सभी पार्क यहाँ पे होती है। यहाँ पे धौलगिरी में एक शौचालय भी है, अगर आपको फ्रेश होना है धौलगिरी में आए हैं तो यहाँ पे आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपको धौलगिरी में लाइट साउंड शो देखना है तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये टाइमिंग है और ये जो यहाँ पे लाइट साउंड शो का कार्यक्रम होता है ये दोस्तों यहीं पर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब माइक वगैरह लगे हुए, जो भी लाइट्स वगैरह है यहीं पर होता है और इसकी जो फीस है वो 25 रुपीज़ पर पर्सन होता है और दोस्तों ये एवरी मंडे क्लोज होता है। इस टाइमिंग को आप ध्यान रखें और अपना जो लाइट साउंड शो यहीं होता है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों स्पीकर लगे हुए हैं और एक बड़ा भी यहाँ पर लगा हुआ जो लाइटिंग इस स्तूप पर जाता है। और इस लाइट साउंड शो में अशोक से संबंधित, कलिंगा युद्ध से संबंधित क्या उसकी हिस्ट्री है और उन सारी चीज़ों को इस लाइट साउंड शो में बताया जाता है। यहाँ पर लिफ्ट भी लगा हुआ है, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, डिसेबल लोग हैं और यहाँ से लिफ्ट से जाएंगे अब नीचे पार्किंग में जा सकते हैं। यहाँ से ये जगह देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ से लोग आ रहे हैं ये जगह है पार्किंग में यहाँ पे आने का, तो यहाँ से लिफ्ट से आप वहाँ नीचे भी जा सकते हैं। दोस्तों ये हिस्ट्री आप शांति स्तूप धौली का है, आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। हेलो सर, आप कहाँ से आए घूमने के लिए यहाँ पे? मैं सर बिहार पटना से आया हुआ हूँ, भुवनेश्वर आया हुआ था तो मुझे पता चला कि धौलगिरी में है यहाँ पे स्तूप, तो मैं घूमने आया हूँ। लेकिन बिहार में जो एक बोध गया है जहाँ की भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ जो है भगवान बुद्ध की बहुत ऊँची प्रतिमा है इससे भी ज़्यादा, तो अपने दर्शक को हम कहना चाहेंगे कि वो और भी अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वहाँ जा कर के देखें जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष भी वहाँ पर है
बोधगया जो कि बिहार में है, पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों अभी मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये धवलगिरी शांति स्तूप यही है जो भगवान बुद्ध से संबंधित जगह है। दोस्तों यह वही धौली पहाड़ी है जहां 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो अभी वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। दोस्तों यह वही दया नदी है जो यह कलिंग युद्ध में लाशों का ढेर बन गया था और इस नदी का पूरा पानी लाल हो गया था। दोस्तों इस युद्ध में लाखों लोगों की मौत देखकर अशोक बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों यह स्तूप शांति स्तूप धौली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए धौलगिरी शांति स्तूप कहा जाता है। यह स्तूप दोस्तों एक शांति का प्रतीक है। दोस्तों यह जो आप स्तूप देख रहे हैं, इसकी दीवारों पर भगवान बुद्ध की अच्छी अच्छी कारीगरी के साथ मूर्तियां बनाई गई हैं। के सब सारी बाउंड्री लगी हुई है यहाँ पे, जो स्तूप है स्तूप के चारों साइड में ऐसे बाउंड्री लगी हुई हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों आपको हरे भरे पौधे भी दिख जाते हैं। अभी थोड़ा गर्मी यहाँ पे चल रहा है, तो गर्मी में जानते हैं कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा गर्म स्टेट है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अगर आप यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सर्दियों में घूमने के लिए आते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेस होता है, आपको उतना गर्मी नहीं होगा और यहाँ पर आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर खड़े होके। अभी दोस्तों मैं वीडियो शूट करके काफ़ी थक गया, अभी मैं आया हूँ भैया के पास चाय पीने के लिए। देखता हूँ, पता करता हूँ दोस्तों क्या प्राइस है यहाँ पे चाय का और क्या क्वालिटी मिलता है चाय का। तो भैया चाय कितने कितने रुपए का दे रहे हैं आप? चाय 10 रुपये 15 रुपये। 10 रुपये 15 रुपये बढ़िया फर्स्ट क्लास कूलर वाली चाय मिल रही है। कुछ यहाँ भाई लोग भी आए हुए हैं, कैसा चाय लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया लग रहा है। आप कहाँ से हैं सर? मैं सर भुवनेश्वर से हैं। आप कहाँ? राजस्थान से हैं सर। तो चाय भैया, एक भैया हमारे लिए भी चाय बनाइएगा आप जो है, और हम भी टेस्ट करके देखते हैं भैया का चाय। तो दोस्तों हम लोग चाय थोड़ा इनका टेस्ट कर रहे हैं जो है, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह भी 8:30 मॉर्निंग हो रहा है दोस्तों, आप भी आते हैं तो आपको यहाँ हर चीज़ें आपको मिल जाती हैं धवलगिरी में। दोस्तों अगर आप भुवनेश्वर घूमने के लिए आ रहे हैं दोस्तों, या फिर आप जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दोस्तों, अगर आपको दोस्तों कंप्लीट टूर पैकेज चाहिए पूरी का, तो दोस्तों रेडगो ट्रिप के इस बोर्ड लाइन नंबर पर आप फ़ोन ज़रूर करें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करती है दोस्तों। साथ ही एक हमारे रेडगो ट्रिप से दोस्तों आप एक बजट टूर करा सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपका होटल की बुकिंग हो गया, आपका ट्रैवल की बुकिंग हो गया दोस्तों, तो ये आप हमसे रेडगो ट्रिप से आप ज़रूर करा लें।